बातें कही गई उस पर भी प्रधानमंत्री ने अपने तौर पर अपनी बातें रखी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है जब भाजपा संसदीय दल, एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है, उसके लिए एक प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा था, तमाम एनडीए के सहयोगी नेताओं ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अब एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति भवन जाएंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए का एक दल राष्ट्रपति भवन जाएगा, इस बात की जानकारी दी गई है। देखिए एक बहुत ऐतिहासिक पल इसलिए है कि 1960 के बाद भारत की राजनीति में ऐसा कोई मौका नहीं था जब लगातार तीसरी बार कोई नेता प्रधानमंत्री बना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके अगुवाई में एनडीए ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल किया है और वो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक आंकड़ा भी प्रधानमंत्री ने रखा कि पिछले तीन चुनावों के अगर नतीजे देख लें तो कांग्रेस को उतनी सीटें हासिल नहीं हुई है जितनी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है। तो ये चुनाव दरअसल एक और रिकॉर्ड बनाया है इस चुनाव ने कि जो प्रमुख विपक्षी दल है